हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग फीचर की जो कि गूगल की तरफ से आने वाले iOS के अंदर आपको ऑफर होने वाला है। तो जी, ये फीचर का नाम है क्लियर कॉलिंग ऑप्शन, जो कि बहुत 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 ज्यादा अमेजिंग लगा। इसलिए मैंने जो गूगल है वो अपने यूजर्स को या फिर डिवाइसेस को जो भी वर्जन वो अपग्रेड कर रहा है उसके साथ में कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर हमेशा उसने दिया ही दिया है। तो जी, मिशेल रहमान करके एक टिपिस्टर है जिन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया है और उसमें स्क्रीनशॉट भी पेस्ट किया है कि भाई ये जो क्लियर कॉलिंग ऑप्शन है वो आपको एंड्रॉयड 13 वाले वर्जन में देखने को मिलेगा। और मेरे को ये लगता है कि काफ़ी अच्छा फीचर है, बिकॉज ऑफ कि इंडिया में जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया, बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करता हूँ ऐसी चीज़ों को, कि कॉलिंग के टाइम पे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि अदर वॉइस थोड़ा जर्जराहट ऐसा कुछ आता है, तो जो दूसरा बंदा जो अदर पर्सन है वो जो कह रहा है वो सारी स्लिप हो जाती है, मतलब सुनाई नहीं देता, कुछ भी समझ ही नहीं आता कि क्या एक्चुअली में बोल रहा है। तो जो क्लियर कॉलिंग फीचर है वो क्या करेगा एग्जैक्टली, कि जब वो दूसरा बंदा आपको कॉलिंग पर कुछ बोल रहा होगा और जो अदर वॉइस उसके साथ में जो आ रही है वो उसको मिनिटाइज कर देगी, मतलब कि रिमूव कर देगा, और जो क्लियर कॉलिंग जो है उसमें जो अदर पर्सन की आपको सिर्फ आवाज क्लियर और लाउडली सुनाई देगी। तो इससे होगा क्या, आपको कॉलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगा, बिकॉज कि आपको क्लियर वॉइस सुनाई देगी। तो ये फीचर मेरे को काफी अच्छा लगा एंड एंड्रॉइड 13 के साथ में आपको ये फीचर मिलने वाला है। एंड ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है इसमें क्लियरली मतलब कि कंपनी ने मेंशन कर रखा है कि ये जो फीचर है ये आपको ओनली नेटवर्क बेस्ड कॉलिंग पर ही अवेलेबल होगा, मतलब कि जो वर्क करेगा वो नेटवर्क बेस्ड कॉलिंग पर ही करेगा, वाईफाई कॉलिंग के ऊपर ये वर्क नहीं करेगा। तो जी, पता नहीं कि वाईफाई पे क्यों नहीं करेगा, बट नेटवर्क कॉलिंग तो बढ़िया हो जाएगी, बिकॉज ज़्यादातर लोग बाग नेटवर्क कॉलिंग ही यूज़ करते हैं। वाई फाई कॉलिंग अभी थोड़ा सा कमी है, बट ठीक है, जो भी है बढ़िया होगा एक्सपीरियंस। देखते हैं कि आगे क्या निकल करके आता है और कितना अच्छे से ये फीचर वर्क करता है। बट अगर गूगल ने किया है डेवलप तो काफ़ी अच्छा होगा, बिकॉज गूगल के जितने भी अच्छे अच्छे फीचर जो हैं जो गूगल ऑफर करती है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। लाइक मेरा खुद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, और गूगल बहुत ज़्यादा ब्रॉड है इन सब चीज़ों के अंदर, बहुत R&D करके उस फीचर को मार्केट में लेकर के आती है। और ये चीज़ भी आपको क्लियरली मेंशन दिख जाएगी इस स्क्रीनशॉट के अंदर कि इसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी आप इस क्लियर कॉलिंग फीचर का मतलब कि यूज़ करोगे तो जो भी आपकी कॉलिंग है, जो भी रिकॉर्डिंग है, वो गूगल के मतलब कि ऑफिस में नहीं जाएगी, यानी कि गूगल के डेटा स्टोर में स्टोर नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, प्राइवेसी बिल्कुल मेंटेन करी हुई है गूगल ने। तो ये इस स्क्रीनशॉट में आपको बिल्कुल विजिबल हो गया होगा। आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि इसमें एक क्लियर कॉलिंग का एक टॉगल दिया हो गया है जिसको आप मैनुअली इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। अगर आपको चाहिए इनेबल कर लो, नहीं चाहिए डिसेबल कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा लगा भैया, एंड्रॉयड 13 के अंदर एक और फीचर अपने स्मार्टफोन्स में ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम पे जब भी लॉन्च होता है तो कितना अच्छे से ये फीचर वर्क करेगा और कितना यूजफुल रहेगा। तो लाइक मेरा ये मानना है कि इंडिया के अगर बेस पर अगर मैं लेकर के चलूँ तो काफ़ी यूजफुल रहेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है नेटवर्क कॉलिंग के अंदर, कई बार समझ में नहीं आती आवाज़, बट ठीक है, जो भी है देखते हैं। तो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच।